फ़ाइव क्वेश्चन आपके पास डिस्क्राइब हाउ द एवोगाड्रो नंबर इज रिलेटेड टू द मोल ऑफ एनी सब्सटेंस आप कह रहे हैं कि आप एवोगाड्रो नंबर को किसी भी मोल ऑफ सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट कर रिलेट uh, करवाते हैं कि आपके पास मोल ऑफ सब्सटेंस है हम कहते हैं कि वन मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर तो वो कह रहे हैं कि आप इसको जो रिलेट करवा रहे हैं वो किस तरह से करवा रहे हैं इसको डिस्क्राइब करें फर्स्टली तो आप इसके एवेगॉर्डन नंबर की डेफिनेशन देखें कि अमोल आ, अमोल इज एन अमाउंट ऑफ सबस्टांस जैस कंटेंस पॉइंट जीरो टू टू मल्टीपाव टेंस ट्वेंटी थ्री पार्टिकल ऑफ़ दैट सब्सटेंस दिस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन बाय नंबर इज नॉन एज एवोगॉर्डन नंबर कि कोई किसी भी मोल ऑफ सबस्टांस होगा उसमें एवोगॉडन नंबर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे और एक्सपेरिमेंटली अगर हम उसको डिटरमाइन करें तो हमने उसको क्या नाम दिया हुआ है एवोगॉर्डन नंबर दिया हुआ है अमोल ऑफ सबस्टांस कंटेन सिक्स पॉइंट जीरो ट्वेंटी थ्री एट सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस होगा जिसके अंदर इतने इतने मालिक्यूल या इतने, इतने आयन होंगे कि वो उस पर एग्जिस्ट करेगा फॉर एग्जाम्पल अमोलाफा कार्बन इज सिक्स पॉइंट जीरो टू टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी थ्री एटम। कि अगर मोलाफा कार्बन एटम ले लें तो उसमें इतने एटम्स हैं अमोलाफर सल्फर mole, के mole of a सल्फर भी है उसमें भी इतने ही एटम्स हैं एंड द मोल ऑफ द वाटर इज अगर हम एटम ले रहे हैं तो उसमें इतने एटम्स होंगे और अगर हम मालिक्यूल ले रहे हैं यानी कि मोल ऑफ वाटर एक मालिक्यूल है एच टू हो है तो उसमें कितने मालिक्यूल्स होंगे सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट जीरो टू टू मल्टीप्लाई टाइम्स अब ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल्स सो आपस में जो मोल और एवगॉडो नंबर का रिलेशन है उसको हमने कैसे डिस्क्राइब करना है रिलेशन बिटवीन द एगॉडो नंबर एंड मोल ऑफ सब्सटेंस नंबर ऑफ़ द पार्टिकल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवो नंबर नंबर ऑफ़ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर अगर हमने किसी भी सब्सटेंस का मोल नंबर फाइंड करने हैं मीन नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं तो हमने पहले सबसे पहले हमने उसके हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उसमें कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं एवोगाड्रो नंबर की हमें जो अमाउंट है, है वो हमारे पास पता है कि सिक्स पॉइंट जीरो टू टू ट्वेंटी थ्री है तो किसी भी सब्सटेंस का मोल फाइंड करने के लिए हमें उसके पार्टिकल और एवेगॉर्डो नंबर का जानना ज़रूरी है इसी वजह से हमारे पास जो मोल नंबर है वो एवेगॉर्डो नंबर पे डिपेंड करता है क्योंकि हम मोल नंबर जो है उसी एवेगॉडो नंबर से फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ई सब्सटांसिज इन अ सैंपल विच फॉलोइंग द मैसेज अब आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस फाइंड करने हैं इन नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं डिफरेंट मैसेज दिए हुए डिफरेंट सब्सटेंसेस दिए हुए हैं उनके मैसेज गिवन है आपके पास और आपने क्या करना है उनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने जैसे कि फर्स्ट पार्ट है आपके पास टू ग्राम ऑफ ही टू ग्राम ऑफ हीम देखें सोलूशन क्या है कि मैस ऑफ हीलियम आपके पास गिवन है टू पॉइंट फोर ग्राम मोलर मैस ऑफ हीलियम जो एटॉमिक मैस होता है वही उसका मोलर मैस होता है तो आपके पास क्या है फोर ग्राम नंबर ऑफ मोल्स फ़ाइन करने तो नंबर ऑफ़ मोल्स फ़ाइन करने के लिए आप नहीं, क्या फाइन करना है मैस यानी जितना उस जितने उसमें आ, उसका मैस गिवन है आपके पास एंड मोलर मैस जो उसका टॉमिक मैस था मैस आपके पास क्या है टू पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय मोलर मैस मोलर मैस क्या है फोर ग्राम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम आ जाएंगे कि इतने ग्राम ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ मूल्स हैं वो सिक्स पॉइंट जीरो एग्जिस्ट कर रहे हैं पार्ट बी देखें टू फाइव ज़ीरो एम जी ऑफ कार्बन अब टू फाइव जीरो मिली ऑफ़ कार्बन में कितने मोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं मास ऑफ कार्बन आपके पास गिवन है टू फिफ्टी मिलीग्राम ग्राम को आपने ग्राम में चेंज करना है क्योंकि हम जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो ग्राम में फ़ाइंड कर रहे हैं तो मिलीग्राम को कैसे ग्राम में चेंज करेंगे टू फिफ्टी डिवाइड बाई थाउजेंड वो हमारे पास क्या आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट टू फाइव ग्राम मोलर मास ऑफ कार्बन जो है वो ट्वेल्व ग्राम है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैस डिड बाय मोलर मैस तो मैस क्या था आपके पास ज़ीरो पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाय मोलर मैस था ट्वेल्व ग्राम तो नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो टू वन मोल्स तो टू फिफ्टी मिलीग्राम ऑफ कार्बन जो है उसमें ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू वन मोल जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सी पार्ट देखें फिफ्टीन ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इसमें देखें मैथ मैथ्स ऑफ सोडियम क्लोराइड गिवन था फिफ्टीन ग्राम गिवन है आपके पास मोलर मैथ ऑफ सोडियम क्लोराइड निकालना है मोलर मैथ ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या करना है सोडियम का एटॉमिक मैथ प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मैथ इन दोनों को ऐड करना है तो फिफ्टी एट पॉइंट फाइव ग्राम आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स फाइन करने हैं नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल टू मोल मैथ डिवाइड बाई मूलर मैस मैथ आपके पास फ़िफ्टीन ग्राम है डिवाइड बाई मोलर मैथ फिफ़्टी इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे जीरो मोल्स तो फिफ्टीन ग्राम ऑफ सोडियम में जीरो कर रहे हैं पार्ट डी देखें इसमें फोर्टी ग्राम ऑफ सल्फर मैस ऑफ सल्फर आपको गिवन है फोर्टी ग्राम मोलर मैस ऑफ सल्फर यानी जो एटॉमिक मैस ऑफ सल्फर है वही इसका मोलर मैस है वो क्या है थर्टी टू ग्राम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैथ डिवाइडेड बाय मोलर मैथ सब का एक ही फार्मूला लगेगा जस्ट आपने उसको देखना है कि वो मालिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर एलिमेंट की शक्ल में एग्जिस्ट कर रहा है ताकि उसका मोलर मैथ आप इजीली फाइंड कर सकें तो मैथ आपके पास गिवन है फोर्टी डिवाइडेड बाई मोलर मैथ थर्टी टू फोटी डिवाइड बाई थर्टी टू करेंगी तो आपके पास वन पॉइंट टू फाइव मोल्स आ जाएगा तो आपके पास फोर्टी ग्राम ऑफ सल्फर में वन पॉइंट टू फाइव मोल्स एग्जिस्ट करते हैं ये है आपके पास वन पॉइंट फाइव ऑफ एम अब आपके पास पहले यहाँ पे जो बी पार्ट था वो मिलीग्राम में दिया हुआ था आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट किया अब आपके पास किलोग्राम दिया हुआ है इसको अगेन आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है क्योंकि मोल जो है वो हम ग्राम में फाइंड कर रहे हैं छोटा यूनिट ले रहे हैं एक नॉर्मल यूनिट ले रहे हैं तो इस वजह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में मैथ ऑफ एम जी ओ क्या है वन पॉइंट फाइव के जी वन पॉइंट फाइव अगर के जी है तो हमने इसको ग्राम में चेंज करना है और ग्राम में चेंज करने के लिए हमने क्या करना है थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना है वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड इज इक्वल टू फिफ्टी फिफ्टीन हंड्रेड ग्राम मालिकुलर मैथ ऑफ एम जी ओ एम जी अटामिक मैथ ऑफ एम जी ट्वेंटी फोर प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 24 प्लस 16 इज़ 40 ग्राम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं तो एक ही फार्मूला पूरे क्वेश्चन में एक ही फार्मूला लग रहा है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मास आपके पास क्या है 1500 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या है फोर्टी फिफ्टीन हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर्टी थर्टी मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 1.5 पॉइंट फाइव के जी ऑफ एम में कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं 37.5 सेवन मोल्स इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स भी कंप्लीट हो गए जितने भी क्वेश्चंस के मैंने मार्क करवाए हैं और मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं उन सबको आपने नीट एंड क्लीन कॉपीज़ पे करना है सबके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी और जो एमसीक्यूज़ मैंने आपको कराए हैं इनकी प्रैक्टिस आपने ख़ुद घर में करनी है